विवादों से बचने और मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले करें इस चीज को बंद। जीवन में हर जगह आपको कठोरता मिलेगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि जीवन के मूल्यों को समझने के लिए आप उनका सामना कैसे करते हैं। जीवन के हर निर्णय को यह समझकर लेना चाहिए कि कहीं ये निर्णय किसी दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रहे। देखिए, जीवन को बदलने वाला है एक अच्छा विचार। दोषारोपण एक मानसिक बीमारी है जिससे अक्सर चाहने पर भी हम अपना बचाव नहीं कर पाते और उसके जाल में बुरी तरह उलझ जाते हैं। कांटा चुभने पर कांटे को दोष क्यों? वह तो अपनी सही जगह स्थित था। पैर तो हमने रखा, हाथ तो हमने लगाया। वास्तव में जब हम दोष दूसरों के सिर पर मढ़ते हैं तो कई क्रियाएं एक साथ होती हैं। सर्वप्रथम यह कि दोष दूसरों पर मढ़ते ही स्वयं अपनी दृष्टि में हम दोष मुक्त हो जाते हैं और दोष दूसरे पर आ जाता है। फिर जब दोषी सामने होता है तो हम फौरन स्वयं को सामने वाले से योग्य और श्रेष्ठ मान बैठते हैं। याद रखने की बात यह है कि योग्यता और श्रेष्ठता दूसरों में दोष नहीं ढूंढती, बल्कि अपने दोषों को तलाशती है, खुले दिल से स्वीकार करती है। यही स्वीकार हमें आत्म सुधार का अवसर देता है और श्रेष्ठता के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। दूसरों को या स्थितियों को दोष देना जिम्मेदारी नहीं लेने का एक आसान तरीका है। जापानी व्यवसायी अकियो मोरिता का कहना है कि महत्वपूर्ण बात किसी को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि गलती का कारण क्या है। सफलता और असफलता जीवन के साथ चलती है। कुछ कामों को करने से यदि हमें सफलता मिलती है तो कुछ को करने से असफलता का स्वाद भी चखना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने लगे। यह ठीक है कि कई बार दूसरों की गलतियों के चलते चीजें बिगड़ती हैं। फिर भी अगर हमारी प्राथमिकता कामों को पूरा करना और चीजों को ठीक करना है तो हमें दोषारोपण की आदत से बचना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों से टकराने के बजाय अपने गंतव्य पर ध्यान रखना चाहिए। हमें तो बस रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानना है और फिर क्या किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, यह विचार करना है। अवरोधों के सभी चेहरे नकारात्मक नहीं होते, कुछ मामलों में तो वे हमारे शिक्षक होते हैं। कवि सारा ब्रूनो का कहना है, जब आप पत्थर को दोष देना बंद कर देंगे तो चलना सीख जाएंगे। अगर हमें लगता है किसी का व्यवहार हमारे प्रति अनुचित है तो तुरंत ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि सारा दोष उसी का है। अपने आप पर भी विचार करना चाहिए। हर किसी को अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है और व्यंग्य आलोचना सभी को अप्रिय है। दूसरों के प्रति कोई भावना बनाने से पूर्व अपना भी दोष दर्शन करना आवश्यक है। जब हम अपने को ही सर्वथा सही मानकर दूसरों को गलत मानते हैं तो सबसे बड़ी भूल करते हैं। इससे सच्चाई ढक जाती है और विवाद बढ़ने लगते हैं। अपनी रुचि भिन्नता को ध्यान में रखते हुए दूसरों की इच्छा सहन करनी चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि दूसरों की इच्छा के लिए हमें अपनी अभिरुचि का दमन करना पड़ जाता है, तब सामने वाले पर हमारी इस सद्भावना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह हमारी इच्छाओं को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देता है। एक बार हमारे मन में यह बात बैठ जाए कि दोषी हम भी हो सकते हैं, तो मित्रों संबंधियों से होने वाले विवादों में अपने आप बहुत कमी आ जाती है। जय श्री कृष्णा।